वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली उस वैकेंसी के सिलेबस को लेकर के जो अभी फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू निकाली गई है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, उन सभी के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं। और जो पोस्ट है वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के उसमें रिलेटेड में निकाली गई है। और यहाँ पे जो पोस्ट होगा वो बेसिकली एग्जामिनर्स और पेरेंट राइटर का जो डिज़ाइन करने वाले होंगे सब्जेक्ट को लेकर के वो होंगे। और ये एक्रेडिटेड आपकी ऑफिसर्स रैंक ए ग्रेड की जॉब होगी, और मिनिस्ट्रियल कोई भी जॉब होती है तो बेटर बेटर ही होता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके फॉर्म को फिल करने को लेकर के कि कहाँ पर उसका लिंक मिलेगा और कैसे उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और क्या सिलेबस होगा और उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से पढ़ने को मिलेंगी। सो फॉर्म कैसे फिल करें इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दे चुका हूँ और होपफुली आप लोगों ने फॉर्म फिल कर भी लिया होगा। अभी आपको लिंक भी मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ गूगल पे वो सिर्फ QCI क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया टाइप करेंगे, पहला वाला जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, इंटरफेस आपको खुल कर गया जाएगा, आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मतलब पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के कि कौन कौन से बुक्स और कहाँ कहाँ से आपकी प्रिपरेशन आप कर पाएंगे, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम्स होने के टाइम दिया गया है उस टाइम बाउंडेशन में आप अच्छा आसानी से पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। वन थिंग मोर, जो भी कैंडिडेट्स अभी प्रीवियस में जैसे लाइक एस के वी एस PGT बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी किए हुए थे या अभी जो जून में एग्ज़ाम्स हुए हैं CSIR का उसका प्रिपरेशन किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन दे रखा है वो CSIR के सिलेबस से ही लिया गया है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे आप उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपका पूरा करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश और बाकी सारी चीज़ें पूछ रही हैं उनको लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूजन दिमाग में बना हुआ है कि ये कैसे तैयार हो और कैसे किया जा सके। अच्छा, इस एग्ज़ाम की और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं। नंबर पहला कि जो सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम्स होगा आपका वो रिटेन एग्ज़ाम में होगा, तो रिटेन एग्ज़ाम होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब तक हम लोग सब लोग बेसिकली MCQs पैटर्न पे एग्ज़ाम देते चले आए हैं, तो जब ही डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्ज़ाम्स अगर होते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो पेपर दिए गए हैं वो आपको जनरल साइंस मीन्स GS के नाम से लिया जा रहा है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करेंट अफेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब कुछ आपसे पूछे जाएंगे। तो एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए जो कि बेसिकली MSc करने के बाद कहीं वो जॉब कर रहा है या तैयारी कर रहा है नेट और JRF का इन सब का, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग कि कैसे आप कौन से बुक को फॉलो करके अपने इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं जितना टाइम आपको मिला है। सब कुछ इस वैकेंसी का ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड है कि किस टाइम पे एग्जाम्स होगा, किस टाइम पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है जो कि पहले ही आपको बता चुका हूँ। सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं फेज ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के डिटेल्स में कि क्या क्या डिटेल्स रहेगा। नंबर पहला कि ये एग्ज़ाम्स आपका जो होगा वो बेसिकली डिफरेंट फेजेस में होंगे, मतलब तीन फेजेस में होगा। प्री एग्ज़ाम्स होंगे और मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो प्री एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी ये आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज़ से कराया जाएगा, और इसका मतलब हो जाता है कि इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। आपको एक सर्टेन परसेंटेज दिया जाएगा, कितना परसेंट अगर आप मार्क्स स्कोर करते हैं, और तब जाकर के उन स्कोर किए गए कैंडिडेट में से कट ऑफ बनाई जाएगी, और उसमें अगर आप आते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट किए जाएंगे। इस एग्ज़ाम्स का कहीं से भी वेटेज जो होगा वो फाइनल एग्ज़ाम में काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दे रखा है, कौन कौन से बुक फॉलो करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। सो दे रखा है दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द मार्क्स स्कोर्ड इन दिस एग्जामिनेशन विल नॉट कंसीडर टुवर्ड्स द डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनल लिस्ट ऑफ अ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो ये लाइन का मतलब यही हो गया कि इस एग्जाम्स में आपने जो भी मार्क्स स्कोर किया होगा ये सिर्फ आपका एक गेटवे है आपको मेन्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कराने के लिए, इसके मार्क्स का कहीं पर भी वेटेज आपको नहीं मिलेगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे कराया जाएगा, इसका कोई और तरीका नहीं होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम से नहीं होंगे। और इस पेपर ये प्री जो एग्ज़ाम्स होगा सिर्फ सिंगल पेपर होगा, और इस पेपर में आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, MCQ जैसा कि हम
लोग CSIR में, या फिर अभी हाल ही में आपने KVS PGT का एग्ज़ाम दिया है, या फिर अभी आप और भी कोई एग्ज़ाम जैसे लाइक ICMR का दिए हैं, ICAR ARS का दिए हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में जैसे MCQs होते हैं उस टाइप के MCQs आपके आएंगे, राइट। और ये पेपर जो होगा आपका वो 2 घंटे का होगा, तो 2 घंटे ड्यूरेशंस का, 150 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इतनी क्लियरिटी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। नंबर पहला जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश के लिए आपको कोई भी, जो भी अगर आपके आसपास में शॉप है वहाँ से आप जा करके आप जो SSC की प्रिपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जैसे लाइक गेट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस के लिए करते हैं, तो SSC वाले एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश बुक आप यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगी, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप, मुझे नहीं लगता कि मास्टर डिग्री होल्डर होने के बाद भी आपको इंग्लिश के लिए कोई बुक्स को फॉलो करना चाहिए, आप थोड़ा बहुत कोई भी जो बुक्स आती हैं मार्केट में उसको आप लेके फॉलो कर सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आपके पास RD शर्मा की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, या अग्रवाल जी की बुक आती है वो अभी आप ले सकते हैं, उसको पढ़ करके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक लेने का टाइम नहीं है और आप बुक नहीं ले पा रहे हैं, तो आप के पास कोई भी जो टेस्ट सीरीज है या टेस्ट आपको कहीं से भी मिल जाता है, ढेर सारे ऑनलाइन पे आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और इसमें मतलब वही होता है, जो भी आप वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं रीजनिंग जो क्वेश्चन आते हैं वही सेम टाइम के होते हैं। तो वैसे भी रीजनिंग एग्जाम्स को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल अच्छा होना चाहिए, आपकी थोड़ी सी ट्रिक अच्छी होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे इन सारे क्वेश्चन पे, आप आसानी से इनके क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि आपको बुक्स चाहिए ही चाहिए और आपको ये चीज़ पढ़ना ही है, मतलब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस बाकी जो अदर एग्जाम्स में अब तक के आए हुए रीजनिंग के वर्बल एंड नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके के ब्लड रिलेशन से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाले का हो, वो आप जितना करेंगे उतना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, यहाँ पर आपको मैथ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये मैथ का जो स्टैंडर्ड होगा वो मान के चलिए आपको 10+ 10+ में रहेगा, तो आप लगभग एटलीस्ट आपको 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथमेटिक्स है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। खास करके कुछ जो टॉपिक्स होते हैं लाइक आपको ट्रेन की स्पीड से सवाल आना चाहिए, टाइम से सवाल आना चाहिए, कैलेंडर से सवाल आपको क्वेश्चन आने चाहिए। सपोज कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि हाँ 1900, मान लीजिए कि 1982 में अगर बुधवार को दिन को ये वाला डेट पड़ा हुआ था, तो आज कौन सा दिन होगा, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कैलेंडर से लेकर के। तो कैलेंडर हो गया, ट्रेन हो गया, लाइट पाइप हो गया, ये सारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि जो आप SSC के प्रिपरेशंस करने के लिए जो बुक्स आप फॉलो करते हैं वो वाली बुक आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आप कोई सभी मैगजीन, चाहे आप 6 मंथली ले सकते हैं या फिर आप मंथली वाइज जो आती है उसको भी ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनका एग्जाम्स सेप्टेम्बर में अगर होना है तो सेप्टेम्बर से पहले तक का, मतलब अगस्त के एंड तक का आपको GS पूरा तैयार करके जाना रहेगा, मतलब आप मार्च से लेकर के देख सकते हैं, जनवरी से ले सकते हैं, 6 महीने वैसे काफ़ी रहता है, 6 महीने तक के एग्जाम्स को मतलब ड्यूरेशन को आप कवर अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि आपकी 10th स्टैंडर्ड की होगी, अगर आपके पास NCERT है तो आप 9th 10th का अच्छे तरीके से NCERT बुक को फॉलो कर लीजिए, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लूसेंट की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ये पूरा जनरल साइंस के नाम से बुक देते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, तो आप इस बुक को फॉलो करके अपनी जो कहते हैं ना कि एप्लीकेबल बेस्ड पे जो आपकी समझ है केमिस्ट्री को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के, बायोलॉजी को लेकर, बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट सब लोग आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि बायोटेक के और बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको देखना रहेगा। तो आप 9th और 10th स्टैंडर्ड का जो NCERT बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है लेजिस्लेशन, इसके लिए आपको कोई बायोटेक की जो बुक आती है उसमें IPR का पूरा चैप्टर रहता है, आप IPR पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वीपो दे रखा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कहाँ पे है, कब बनाई गई है, क्या इसका रोल होता है, और उससे रिलेटेड कितने और विंग्स हैं, ये सब कुछ आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल मीन्स आप बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के जा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी ही बेसिकली किसके लिए है, पेटेंट करने के लिए। मतलब आपकी ड्यूटी क्या होगी कि सपोज अगर मैं कोई एक ऑनर हूं और मैंने किसी चीज को अपना वो हायर किया हुआ, उसे पेटेंट कराना चाह रहा हूं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर मैं हूं तो आप उसको क्या करेंगे, पूरा जो भी आपका पॉलिसी होगी वो आप बताएंगे कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको पेटेंट कराना है, ये आपका काम रहेगा अपॉइंट होने के बाद। तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में नेशनल एज वेल एज वर्ल्ड लेवल पे आइडिया होना चाहिए, और इसके लिए आप इंटरनेट का भी
की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। नेट से आप अच्छे से सर्च कीजिए, उसको नोट्स अच्छे से बना लीजिए कि वीपीओ क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, कब ये बना था, क्या क्या इसके विंग्स हैं, कौन कौन से इसके रोल हैं, कौन कौन सा चीज़ कंट्रीब्यूट होता है, ये सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जनरल साइंस आप एनसीईआरटी से फॉलो कर सकते हैं, आईपीआर को लेकर के आप बायोटेक्नोलॉजी कोई भी बुक होगी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर और जनरल साइंस जनरल नॉलेज के लिए आप कोई भी मैगजीन 6 मंथली ले सकते हैं या मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बता दिया, एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जो बुक आती हैं आप उन बुक को फॉलो कीजिए, वहाँ से मैथमेटिक्स के जो कुछ पोर्शन हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ से आपको प्रॉब्लम बनाना रहेगा। तो परसेंटेज को लेकर के, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, फिर इसके बाद स्पीड को लेकर के, फिर इसके बाद ट्रेन को लेकर के, फिर इसके बाद कैलेंडर को लेकर के, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इनसे सब पे प्रैक्टिस आपकी अच्छी से होनी चाहिए और आपको उस पर थोड़ा फोकस करना रहेगा, राइट। तो ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो ये सारा का सारा जो मैंने अभी टॉपिक बताया है, ये टॉपिक्स आप आसानी से 15 से 20 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। इस प्री एग्जाम्स में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाएंगे उनकी नंबर सीट के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स मोर होगा, यहाँ पे दे रखा है। सपोज अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी में टोटल सीट अगर 50 है तो यहाँ पे क्या होंगे, 20 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो यहाँ पे 1000 लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे एग्जाम्स क्वालिफाई होने के लिए। और यहाँ पे दे रखा है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यूआर के लिए मींस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30% है, मतलब कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, तो इसका आप 30% निकाल लीजिए तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 मार्क्स या 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इस 150 में से मिनिमम, मतलब इतना क्वेश्चन अगर आपका सही रहेगा तब जाकर के आपकी कॉपी इवेलुएट होगी और आप पे विचार किया जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% है, तो 25% आप निकाल ले सकते हैं 150 का, और इसके बाद अदर्स के लिए 20% है, ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं। और अगर आप पढ़ाई करेंगे अच्छे तरीके से तो 150 नंबर में से 45 नंबर ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपको नंबर और ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे इस 45 से जितना ज़्यादा लोग नंबर पाएंगे मैक्सिमम मार्क्स, वहाँ से कट ऑफ बनना आपका शुरू हो जाएगा, और जितने भी 1000 लोगों का संख्या होगी वहीं पर सीट क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको टारगेट करके चलना है कि इस 150 में से अगर आप 90, 95, 80, 85 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो यू आर इन गुड पोजिशन, आप आसानी से मेन्स एग्ज़ाम को लिखने के लिए तैयारी कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि अगर मास्टर्स डिग्री होल्डर अगर चाह ले तो 15 से 20 दिन में ये जो सिलेबस दे रखा है वो आसानी से कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको उस पर थोड़ा लगना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट इतनी अच्छी जॉब है, मतलब आप ये समझिए कि ये मिनिस्ट्री की जॉब है, आपका आपको एकदम प्रॉपर ए रैंक ग्रेड ए की नौकरी मिलने जा रही है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई वैकेंसीज आती नहीं है, तो बहुत लकी हैं आप सभी लोग कि अभी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, प्री एग्जाम से ख़त्म हो जाने के बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर्स होंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है ये 2 पेपर्स होंगे, और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही कराया जाएगा, इसमें कोई ऑनलाइन मोड नहीं होगा। 2 पेपर होगा, पहला जो पेपर होगा वो MCQ टाइप का होगा, यहाँ पे आपको दे रखा है OMR बेस्ड पे होगा, और पेपर जो सेकेंड होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और यही वाला जो आपका पेपर होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, सपोज अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के पेपर्स क्वेश्चंस मिलेंगे। पेपर वन जो होगा, मतलब प्री मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, ऐसे समझिए पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होगा वो MCQs होगा, और इस पेपर में आपको टोटल 100 मार्क्स के पेपर होंगे, और ये आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मींस लिखने वाला होगा, और ये वाला जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, राइट। यहाँ पे आपको दे रखा है पेपर वन के लिए ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, और ये जो टाइम होगा इसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे, MCQs टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके 1 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा, सॉरी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और 100 नंबर में से क्या क्या आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर जिसको लिए मैंने आपको बताया कि आप मैगजीन मंथली ले सकते हैं या 6 मंथली ले सकते हैं, 20 मार्क्स का आएगा। जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि आपको
मैथमेटिक्स और ये सब आते हैं, 20 मार्क्स का आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी आपकी जो कि क्लास 10 तक के लिए हो सकती है, 20 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का। नॉलेज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये भी आपको आएगा। तो ये आपके 5 सेक्शन होंगे जहाँ से IPR से, तो IPR हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, और मैथमेटिक्स हो गई, और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। ये 5 आपके हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे अच्छे तरीके से, IPR हो गया और इंग्लिश हो गया और इसके बाद मैथमेटिक्स हो गया और इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, GA जिसे बोलते हैं, राइट। तो ये आपके सब्जेक्ट होंगे और इसके साथ साथ में आपकी एक एलिमेंट इंग्लिश होगी, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और IPR होंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट्स से आपका 20-20 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनसे आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना होगा। ये वाले भी क्वेश्चंस आपके MCQs ही होंगे, तो आसानी से आप कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप प्रिपरेशंस किए रहेंगे। तो प्री एग्जाम्स वाले जो आप तैयारी करेंगे ना, वो आपके मेन्स एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा आपके उस एग्ज़ाम्स के लिए। पेपर जो सेकंड होगा, ये आपका बेसिकली नॉलेज होगी स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट को लेकर के, जो भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया हुआ है, लाइक एज बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एट्सेट्रा। और ये जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और इस पेपर में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये आपका टोटल जो होगा वो लिखने वाला होगा, आपको पेन पेपर पर दिया जाएगा, आपको लिखना रहेगा। और इसके लिए जो सिलेबस है ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ और आप देख भी चुके हैं कि क्या आपका सिलेबस होगा। सो गाइस, पेपर सेकंड के लिए जो आपका रिटर्न फॉर्म में एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा अब पढ़ने का जो पॉइंट है वो चेंज करना पड़ेगा। अब तक आप लोगों ने जो भी तैयारी किया, चाहे वो MS बायोलॉजी चैनल के थ्रू से किया या कहीं से भी किया, वो सब एग्ज़ाम्स आपके MCQs होते थे। MCQs और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में ना दो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। MCQs में जब आप तैयारी करते हैं तो आपको सारे जो, सपोज कीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, लाइक एज RDT पढ़ा आपने, अब RDT से लेकर के जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आपको क्या होता है, ध्यान देना होता है। अब हर एक टॉपिक का अपने की पॉइंट्स होते हैं, आप अगर उन की पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप MCQs क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हैं। आपको सपोज कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ कोई वेक्टर है या वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको वेक्टर के जो मेन मेन फीचर्स होते हैं ना वो आपको याद रखने होते हैं, वेक्टर के बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में क्या है ना कि आपको सपोज अगर 15 नंबर के क्वेश्चन दे दिया गया है और वर्ड वहाँ पे आपको दे दिए जाएंगे कि हाँ 500 वर्ड का होना चाहिए, सो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट बनाने के लिए वर्ड्स एंड वोकैबुलरीज होनी चाहिए। सो अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है, उस प्रिपरेशन का जो टेम्परामेंट होगा वो चेंज करना पड़ेगा। अब आपको MCQs नहीं, अब आपको रिटर्न फॉर्म में देना है, मतलब आपको 1.5 पेज 2 पेज 3 पेज लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन के आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा, तो जाहिर सी बात है कि 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको उसको लिखने के लिए 2, 3, 3.5, 4 पेज तक का लिखने का फाउंडेशन दिया जाएगा आपको कि आप उतना लिखिए। तो उसके लिए अब आपको बुक्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में, और उसके कहते हैं ना कि जैसे उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सपोज जैसे अगर मान लीजिए पूछ दिया गया कि हाँ फॉर एग्जांपल के लिए कि RDT टेक्नोलॉजी में रिसेप्शन एंजाइम के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या उनके टाइप्स हैं और क्या उनके फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिसेप्शन एंजाइम इन RDT टेक्नोलॉजी एंड देयर फीचर्स एंड देन प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब इन डिटेल्स, इस तरीके से सपोज अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में कुछ वीडियोज़ बनाएंगे जहाँ पर आपको लिखने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में बताएंगे कि है क्या चीज़, फिर आप इसके बताएंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, क्या क्या इसके पॉसिबल टाइप्स हैं, उन पॉसिबल टाइप्स में से कौन सा आपका RDT के लिए यूज़ किया जाता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन होता है, इस तरीके से आपको लिखने के लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। सो अभी आप सभी लोगों के लिए, मैक्सिमम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, वो सब लोग तैयारी करेंगे, सब लोग फॉर्म डालेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और MS बायोलॉजी की तरफ से जितना हो सकेगा आपको वो हेल्प करता रहेगा। आप उसके अच्छे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए और इस एग्ज़ाम्स का पेपर 1 और पेपर 2 का मिला करके 80% वेटेज होगा आपके कट ऑफ के लिए, आप ही ध्यान दीजिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस प्री में और आपकी परफॉर्मेंस मेंस में बहुत अच्छी अगर हो जाती है तो आप 80% तक का स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20% का वेटेज रखेगा और
मेंस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे वो 5 टाइम्स होंगे, राइट। तो मान लीजिए आपका टोटल सीट कितनी है, 50 है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 250 कैंडिडेट्स आपके क्या होंगे, क्वालिफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और उस इंटरव्यू का मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स होगा और इसका वेटेज जो होगा वो 20% होगा। अब यहाँ से मतलब 80% में से आपने कितना पाया हुआ है ये, और इस 20% में से आपने कितना पाया हो ये, इन दोनों को क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा, तब जाकर के फाइनल क्या बनेगी, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और इसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। सो फाइनली ये सभी लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए जो कि अब तक ये बोलते रहते हैं और बोलते आए हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं आती है। तो गाइस, अब आपको अपने आप को बहुत एक्टिव कर लेना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन आप लेके जाएँ, और मिनिस्ट्री की जॉब करने का अपना एक रुतबा ही अलग होता है। सो होपफुली कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, और अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको लेकर के रेक्टिफाई करने के लिए। आगे की वीडियोज़ मिलेंगे हम लोग की, हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर को लिख सकते हैं, क्या उसका कंडीशंस होंगे और उनको लेकर के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे थे एमएस बायोलॉजी और मैं महेंद्र कुमार। होपफुली कि आपको ये वीडियोस में जो चीज़ बताई गई वो समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।